सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल, वोटों की गिनती का मरहला शुरू हो गया। इलेक्शन में आसमा जहांगीर और हामिद खान ग्रुप मद्दे मुकाबल, सदाफ्ती नशिस्त पर सैयद कल्ब हसन और शुएब शाहीन ने कड़ा मुकाबला। सेक्रेटरी जनरल के लिए शमीमुर्रहमान मलिक और अहमद शहजाद फारूक आमने सामने, दोनों ग्रुपों के उम्मीदवार जीत के लिए पुरउम्मीद। हाई कोर्ट में मरियम नवाज की दरख्वास्त जमानत का मामला, दरख्वास्त पर फैसला 4 नवंबर तक मुअख्खर। अदालत की जानिब से फैसला कल सुनाया जाएगा। जस्टिस अली बाकी नश्ती की सरबराह में दो रुकनी बेंच फैसला 4 नवंबर को सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल, वोटों की गिनती का मरहला शुरू हो गया। इलेक्शन में आसमा जहांगीर और हामिद खान ग्रुप मद्दे मुकाबल, सदाफ्ती नशिस्त पर सैयद कल्ब हसन और शुएब शाहीन ने कड़ा मुकाबला। सेक्रेटरी जनरल के लिए शमीमुर्रहमान मलिक और अहमद शहजाद फारूक आमने सामने, दोनों ग्रुपों के उम्मीदवार जीत के लिए पुरउम्मीद। हाई कोर्ट में मरियम नवाज की दरख्वास्त जमानत का मामला, दरख्वास्त पर फैसला 4 नवंबर तक मुअख्खर। अदालत की जानिब से फैसला कल सुनाया जाएगा। जस्टिस अली बाकी नश्ती की सरबराह में दो रुकनी बेंच फैसला 4 नवंबर को सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल, वोटों की गिनती का मरहला शुरू हो गया। इलेक्शन में आसमा जहांगीर और हामिद खान ग्रुप मद्दे मुकाबल, सदाफ्ती नशिस्त पर सैयद कल्ब हसन और शुएब शाहीन ने कड़ा मुकाबला। सेक्रेटरी जनरल के लिए शमीमुर्रहमान मलिक और अहमद शहजाद फारूक आमने सामने, दोनों ग्रुपों के उम्मीदवार जीत के लिए पुरउम्मीद। हाई कोर्ट में मरियम नवाज की दरख्वास्त जमानत का मामला, दरख्वास्त पर फैसला 4 नवंबर तक मुअख्खर। अदालत की जानिब से फैसला कल सुनाया जाएगा। जस्टिस अली बाकी नश्ती की सरबराह में दो रुकनी बेंच फैसला 4 नवंबर को सुनाएगा।